नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको एक छोटी सी, नन्ही सी और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आइए स्वागत करते हैं अनुज तिवारी का। इसी के साथ में मैं और अनुज तिवारी आपको कहानी सुनाऊंगा और आपको एक अच्छी सी और प्यारी सी नींद आएगी। तो ये कहानी एक राजा और एक राजकुमारी के बारे में है। तो आइए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बीमारी का ही पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह सुनकर राजकुमारी झट से बोली, फिर मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही राजा खुश हो गया और खुश होकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और धीरे से कहा, रानी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए, आज नहीं तो कल रात तक जरूर आ जाना चाहिए। चांद? प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से पूछा, चांद? उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूँ, लेकिन चांद लाना नामुमकिन है। राजा ने प्रधानमंत्री को तुरंत दरबार से जाने का आदेश दिया और कहा, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। प्रधान सेनापति के आने पर राजा ने उससे भी चांद लाने के लिए कहा, पर प्रधान सेनापति ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कई तर्क दिए और अंत में बोला, चांद को कोई भी नहीं ला सकता, वह यहाँ से 150,000 मील दूर है। राजा ने उसे भी चले जाने के लिए कहा और राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके बाद उसने अपने खजांची को बुलाया। वह भी राजकुमारी की मदद करने में असमर्थ था। जाओ, यहाँ से जाओ, राजा चीखा और दरबारी जोकर को भेजा। जोकर ने आते ही झुककर सलाम किया और पूछा, सरकार, आपने मुझे बुलाया? राजा रो पड़ा और रोते हुए बोला, हाँ। जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा, तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद को ला सकते हो? जोकर ने बोला, हाँ, क्यों नहीं महाराज, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे जाकर पूछ लेता हूँ, जोकर बोला और सीधे राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी ने जोकर को देखकर पूछा, क्या तुम चांद लाए हो? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही ला दूंगा, पर यह तो बताओ कि चांद कितना बड़ा है। राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आंख के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। अच्छा, यह और बता दो कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है। चांद सोने का बना है, राजकुमारी बोली, और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा, जोकर ने कहा और खुश होकर राजा के पास लौट गया। उसने राजा से कहा, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद खिलौने ले आऊंगा। और उसने अपनी योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन दरबारी जोकर सुनार से एक सोने का चांद बनवा कर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत भी ठीक हो गई, लेकिन राजा को यह चिंता खाई जा रही थी कि राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद देखेगी तो क्या कहेगी। वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। रात को चांद जब निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा यह तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया?
राजकुमारी हंसकर बोली, तुम मूर्ख हो, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह दूसरा चांद निकला है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी राजकुमारी के साथ उसके खिलौनों से खेलने लगा। तो दोस्तों और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम अगली कहानी जल्द ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।